इस देश के सबसे बड़े नेता से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जब कल पूरा देश गम में डूबा हुआ था तब वो पार्टी जश्न मना रही थी, तो इससे बड़ा दुख इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकता कि देश का शीर्ष नेतृत्व इस तरह के जश्न में डूबे। और दूसरा, आज हिंदी दिवस है, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से चुनाव में कमर कस चुकी है और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि हमारे सामने जो पार्टियां लड़ रही हैं बहुत बड़ी पार्टी है। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसके पास पैसा है, बड़े नेता हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। दूसरी पार्टी कांग्रेस आप देख रहे हैं जिसकी यहाँ पे सरकार है। तो हमने एक कैंपेन बनाया है, पीछे आपने देखा होगा 4 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी राजस्थान के लिए 7 गारंटी लॉन्च करके गए थे। अब हमने जो योजना बनाई है उन 7 गारंटियों को राजस्थान के हर घर पे उस गारंटी को ले जाने की योजना बनाई है हमने, क्योंकि सामने पार्टियां बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा रही हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी आज इतने रिसोर्स नहीं। लेकिन हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत क्रांतिकारी है जो घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो हमने जो 7 गारंटी थी उसको लॉन्च किया। अब बाकायदा ये हमने एसओपी बनाई है, ये 14 पेज की एसओपी है जिसमें हमने पूरा डिटेल लिखा हुआ है किस तरीके से इन 7 गारंटी को हम राजस्थान के घर घर पहुंचाएंगे, जिसको आज हमने शुरू किया। आज हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता करके आपके माध्यम से ये बताया है। कल हमारे जितने लोकसभा प्रभारी और जो जिला प्रभारी है कल वो जिला मुख्यालय पे और लोकसभा मुख्यालय पे कल प्रेस वार्ता करके करेंगे। वहीं पे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी से हमने कुछ लोग चिन्हित किए जो वहां जाके इस एसओपी को उनको जाके बताएंगे, उनको जाके बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसे करना है। उसके बाद परसों फिर ये हमारे जो LIDI हैं और जो हमारे लोकसभा में और जो जिला में जो हमारे पदाधिकारी हैं ये फिर विधानसभा वाइज जाके वहां ट्रेनिंग देंगे। और 18 तारीख से हम इस कैंपेन को जमीन पे उतार देंगे। हमने 4-5 दिन ट्रेनिंग के लिए इसलिए लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी इसमें चूक ना हो, और जो ये हम कैंपेन चलाएंगे इसको बकायदा मॉनिटर भी करेंगे। और ये कैंपेन हमने जो लॉन्च किया है इसमें हमने हमारी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं सबको इन्वॉल्व हमने इसमें किए हैं। लगभग राजस्थान में हर गांव में हमारा पदाधिकारी है, तो वो तो गांव में जाके प्रचार करेगा, रोड रोड करेगा, लेकिन जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी है और जो मेरे साथ सह प्रभारी हैं उनको भी हम विधानसभा में लगाएंगे। और हर हमारा पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर का जो पदाधिकारी है वो जाके उसको एक विधानसभा हम दे रहे हैं, उस विधानसभा में जब ये कैंपेन चलेगा डोर टू डोर का वो उसको वहां रह के 10 दिन तक उसको मॉनिटर करेगा। और वो हर कैंपेन में कोशिश करेगा कि जब 10 दिन वो रहे, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा बहुत बड़ी है वो हर गांव में नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हमने हर विधानसभा में 10 मुख्य चौक चौराहे और बाजार हमने चिन्हित किए हैं जहां पे वो हमारा साथी जाके कार्यकर्ताओं साथ जाके ये जो हमारी गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की ये जाके हम हर गांव में वो करेगा, हर चौक चौराहे को जाके देगा, कार्यकर्ता से बांटेगा। तो इस तरीके से हमने ये वृहद कार्यक्रम बनाया जो जिसका जो डेडलाइन लास्ट डेडलाइन 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक हमने इसका डेडलाइन लिया है। और इसमें सिर्फ हमारे सह प्रभारी हमारे कार्यकारी जितने हमारे पदाधिकारी वही मैं भी इसमें लगूंगा। और हमने भी एक कार्यक्रम बनाया, मैं मंडे से खुद हमने बना रहे कार्यक्रम, मैं खुद कोशिश करूंगा कि इस 15 दिनों में राजस्थान के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जाके कम से कम एक कोई मुख्य चौराहे पे या एक गांव में जाके मैं इस कैंपेन में खुद हिस्सा बनूं और वहां जाके खुद ये गारंटी मैं बांटूं। तो इस तरीके से एक बहुत वृहद हम कैंपेन करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग होगी और जो हम करने जा रहे हैं इससे हम 15 दिन में
राजस्थान के प्रत्येक गांव में पहुंच जाएंगे। अब आपको हैरानी होगी कि राजस्थान इतना बड़ा है, आप कैसे प्रत्येक गांव पहुंच जाओगे। तो ये मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज राजस्थान में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा कुनबा बन चुका है, एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। और आज राजस्थान में हर गाँव में हमारे पास पदाधिकारी है। चूंकि पदाधिकारी की मॉनिटरिंग नहीं होती, इसलिए कभी कभी काम में डिले हो जाता है। इस बार हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये कैसे होगा, ये कैंपेन कैसे चलाएंगे, विस्तार के लिए मेरे साथ हमारे राजस्थान के प्रदेश के महासचिव विश्वेंद्र है। ये भी कुछ डिटेल बताना चाहूँ कैसे इस कैंपेन को, उसके बाद में कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये हमारा जो कैंपेन है, इसका मकसद है राजस्थान के हर घर तक, राजस्थान के हर घर तक अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी को पहुंचाना है, जिसका हमारा माध्यम होगा डोर टू डोर। राजस्थान के हर गांव में, हर वार्ड में हम डोर टू डोर के माध्यम से हर घर तक इस कैंपेन को पहुंचा रहे हैं। उसके लिए मॉनिटरिंग का जो अभी सर ने बताया, मॉनिटरिंग का प्रोसेस ये रहेगा कि हमारे पास एक ऐप होगा और उसके साथ ही साथ हमारा ये जो गारंटी कार्ड का एक सैंपल है उस तरीके से होगा। हमारा जो कार्यकर्ता जाएगा जिस गाँव में, वहाँ पर जाकर वो एक हमारी पार्टी का मिस कॉल नंबर है, उस मिस कॉल नंबर पे वो मिस कॉल करेंगे, उसके बाद उन्हें एक कॉल जनरेट होगा। देन उस कॉल को हम उस गारंटी कार्ड पे लिखकर और साथ में उस ऐप में रजिस्टर करेंगे, जिससे हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी कि किस विधानसभा में किस लीडर ने कितना आज किया है। देन हम पर डे उसका, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में किया, टॉप 10 हमारे आम आदमी पार्टी के पेज से माननीय हमारे प्रभारी जी, हमारे संगठन मंत्री जी संदीप पाठक जी, इनके पेज से हम उसको निकालेंगे और पर डे जो टॉप 10 लीडर्स राजस्थान के अंदर करेंगे, उनको पारदर्शिता के साथ हम पर डे उसका निकालते हैं चयन करके। तो ये हमारी प्रक्रिया होगी, जिसके माध्यम से हमें मॉनिटर होगा कि किस गांव के अंदर टोटल, किस एसी के अंदर कितने गांव और किस गांव में हमने किया और किस लीडर ने कितना किया। तो ये हमारा इसका मॉनिटरिंग का माध्यम रहेगा। तो इसका उद्देश्य सिर्फ राजस्थान के हर घर तक अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो गारंटी दी गई उसको पहुँचाना होगा। बाकी अब हमारे प्रभारी जी और विस्तार से देखिए, चूंकि दूसरी पार्टियाँ कोई परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, कुछ बड़े बड़े मैंने होर्डिंग जगह लगे हुए कर रही है, पर जमीन पे किसी का भी कैंपेन मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। और आप मेरे से बेहतर आप कवरेज कर रहे हैं, तो आप जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा होगा। मैं गारंटी आपको एक बार दोबारा आपकी जानकारी में ला देता हूँ। वैसे मैं इसका आपको पेज दे दूंगा, जो अरविंद जी ने जो गारंटी दी थी आप सबको पता ही है, 4 तरह को दी थी। फिर भी मैं बता देता हूँ, जो हमारी 7 गारंटी है उसमें बिजली गारंटी है, जिसमें पंजाब और दिल्ली की तरह हम राजस्थान में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और बिना कट लगे 24 घंटे बिजली मिल जाएगी। और जो पुराने बकाए घरेलू बिजली बिल है वो माफ किए जाएंगे। दूसरी आप देख रहे हैं आज शिक्षा की गारंटी, क्योंकि हम गारंटी इसलिए कहते हैं कि दूसरी पार्टी को हम मैनिफेस्टो नहीं लाते या गारंटी नहीं लाते जिसमें जिसकी पूरी होने की आशंका रहती है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से कल पंजाब में भी आपने देखा स्कूल ऑफ एमिनेंसिया का उद्घाटन किया, तो हमने जब चुनाव लड़ा था तब अरविंद जी ने कहा था कि देखिए मैं ना धर्म की राजनीति करता ना जात पात की राजनीति करता, लेकिन मैं आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाना जानता हूँ। तो कल हमने पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस खोला। तो इसी तरीके से राजस्थान में भी शिक्षा गारंटी है, जिसमें हर बच्चे को चाहे वो गरीब का हो अमीर का हो किसी भी गाँव का हो उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी और फ्री मिलेगी। सरकारी स्कूल शानदार बनाए जाएंगे। और जो राजस्थान में मैं देख रहा हूँ बड़ी प्राइवेट स्कूल वालों की बड़ी मनमानी है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं ये बड़े लोगों के हैं, बड़े नेताओं के हैं, तो उसकी जो मनमानी है फीस भरने की उसको रोका जाएगा। दिल्ली में मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ 2015 के बाद दिल्ली में किसी भी प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं बढ़ी है। और जो एनुअल चार्ज और ये जो कोविड के टाइम में पूरे देश में जहाँ बाकी प्रदेशों में हर स्कूल ने कोविड के समय में एनुअल चार्ज लिया, दिल्ली में लेकिन हमने किसी भी स्कूल को एनुअल चार्ज लेने नहीं दिया, उसके लिए हमें कोर्ट में भी लड़ना पड़ा। तो हम राजस्थान में भी इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे और बच्चों को और परिवार को जो सहूलियत मिल सके वो हम करेंगे। शिक्षकों को पक्का किया जाएगा, हमने पंजाब में करके दिखाया, हमने दिल्ली में भी किया। और एक बहुत बड़ी गारंटी अरविंद जी ने दी थी, उसके अगले दिन ही यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने उसको कोट किया था। अरविंद जी ने कहा था कि जो शिक्षक है उनको सिर्फ शिक्षा में लगाया जाएगा, उनका काम सिर्फ शिक्षा होगा, लेकिन क्या होता है उनको शिक्षा के अलावा बहुत सारे काम भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बर्डन हो जाता है और वो बेचारे शिक्षा से ध्यान हटके बाकी कामों का ध्यान चला जाता है। तो हम उनको सिर्फ शिक्षा कराएंगे और मुझे बहुत खुशी है, मैं स्वागत भी करता हूँ। अगर हमारे कोई काम को कोई उसका अच्छा उसको कर रहा है तो स्वागत है, हम देश के लिए आए, हम कोई अपनी पार्टी के लिए नहीं आए। तो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने कहा हमका स्वागत करते हैं, शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा करवाएं, उनसे सिर्फ पढ़वाएं।
तो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा। स्वास्थ्य गारंटी जो हम लेके आए, जैसे दिल्ली में मुफ्त और अच्छे इलाज हो रहे हैं और जो है सभी तरह की दवाइयां, टेस्ट मुफ्त हो रही है, और जो जिसका ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में नहीं हो पाता वो सरकार अपने खर्चे पर प्राइवेट अस्पताल में कराती है, वो भी हम राजस्थान में कराएंगे, और सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा, और जो एक्सीडेंट जो दिल्ली की फरिश्ते स्कीम है वो भी हम यहाँ पे लागू करेंगे। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे हैं आई दिन किसी न किसी अफसर पे या किसी न किसी नेता पे या किसी न किसी बिजनेसमैन पे छापे लगते हैं। पहले ही कल ही देखा आपने कैश निकला है, और तो और जो मोदी जी के नवरत्न जो राजस्थान के जो उनके बनाए हुए हीरे जो उनके हीरे हैं वो भी दोनों आप देखिए, जो इनके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह रावत साहब उन पे भी भ्रष्टाचार का जो है लगा हुआ है, केस चल रहा है। अर्जुन राम मेघवाल जी जो अब नए उनके हीरे बने थे जिनको खदान में से निकाल के लाए थे, उनको कानून मंत्री बनाया, उन पे भी देखिए उन्हीं के पार्टी के जो है विधायक उन पे इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज ईडी सीबीआई सीआईडी सब चुप है। यही कोई विपक्षी नेता पे आरोप लगा होता तो अभी तक ईडी और आईटी और सीबीआई के यहाँ पहुंच चुके, लेकिन की पार्टी के ही है तो इसलिए अभी तक ईडी सीबीआई की नजर ही नहीं आ रही है। तो हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब में आज किसी को भी रिश्वत मांगने में डर लगता है, कहीं भी रजिस्ट्री कराने जाओ या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाओ या कहीं भी आप रकबा कराने जाओ तो दिल्ली में या पंजाब में आज डर लगता है किसी को रिश्वत मांगने में, हमने नंबर जारी किया तो यहाँ भी हम नंबर जारी करेंगे, और जो भी उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसकी कंप्लेन आएगी हम उस पर जो है एक्शन लेंगे। महिलाओं के लिए गारंटी, 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने, जैसे हमने पंजाब में कहा उसी तरीके से हम यहाँ भी 1000 रुपए यूनिट देंगे। ये बहुत अगली गारंटी जो है शहीद सम्मान राशि, ये राजस्थान में बहुत जरूरत है क्योंकि राजस्थान के हर गांव से कोई ना कोई फौज में है, कोई ना कोई पुलिस की सेवा कर रहा है, और आए दिन देश के लिए अगर सबसे बड़ी शहादत किसी प्रदेश के जवान देते हैं तो राजस्थान के, तो शहीद सम्मान जो है जैसे दिल्ली और पंजाब में हमने 1 करोड़ रुपये किया है, हम राजस्थान में भी, क्योंकि हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते, जो नुकसान है परिवार उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को कुछ मदद मिल जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी सहूलियत होती है तो हम उसको देंगे। और हमारी तर्ज पे ही आपने देखा कल गुजरात के मुख्यमंत्री ने वहां पे जो एक शहीद था उसको 1 करोड़ रुपये दिए, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम जो जो पॉलिसी या जो जो गारंटी लेके आ रहा है दूसरी सरकार उसको फॉलो कर रही है, तो गुजरात ने के मुख्यमंत्री साहब ने कल वहां पे जाके शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपये दिया, तो स्वागत अच्छा है, अच्छा करना चाहिए। और कर्मचारी वर्ग के लिए जो संविधान में है सबको हम परमानेंट करेंगे और ठेका प्रथा बंद करेंगे, और एक बहुत बड़ा कैंपेन हम लॉन्च करने जा रहे हैं राजस्थान में, जनसंवाद कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हर विधानसभा में कैंपेन हो, ये 7 गारंटी तो है ही, साथ साथ हर विधानसभा और जिले में भी जो भी वहां की जो जनसंवाद में समस्याएं आएंगी या वहां जो भी सजेशन आएगा उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगला जो भी कार्यक्रम हो अरविंद जी का उसमें उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं। अपनी पार्टी पूरे राजस्थान के 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेगी, और अरविंद जी ने खुद आगे कैंपेन लॉन्च किया तो मुझे लगता है कुछ नहीं होनी चाहिए। देखिए हम पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे इस बार राजस्थान में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा खेल होगा, और राजस्थान में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा फोर्स बन के उभरेगी, और जिसको कोई भी पार्टी या कोई भी जो राजस्थान के लोग हैं वो दरकिनार नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, बाकी शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है वो उस पर डिपेंड करता है। राजस्थान की यूनिट जहां तक है, राजस्थान की जो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, राजस्थान जितने हमारे नेता हैं, वो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन सर जैसा कहा गया था कि 3 तारीख तक आपकी पहली सूची जारी हो जाएगी राजस्थान की, वो अभी तक
देखिए मुझे लगता है कि आज या कल में हमारी पहली सूची आ जाएगी, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। हमने भेजा था पीएसी, कल नहीं बैठ पाई क्योंकि अरविंद जी का पंजाब में कार्यक्रम था, आज पीएसी बैठेगी। तो क्योंकि कोई भी जब फैसला होता है तो वन मैनशिप नहीं है, हम पार्लियामेंट अफेयर कमेटी जो बैठेगी, तो आज मुझे लग रहा है वो बैठेगी, तो रात तक या कल तक पक्का पहली सूची है। मिश्रा जी, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अंतर कलह चल रहा है, तो क्या इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी जिसमें वो सेंधमारी करें? देखिए, आम आदमी पार्टी जहाँ तक सवाल है, हम जनता तक अपनी बातें लेके जा रहे हैं, हमने जो काम किया उसको लेके जा रहे हैं, और जनता समझदार है, जनता जानती है कि राजस्थान में जिस तरीके से कलह दोनों पार्टी में चल रहा है वो जनता जान रही है, उनके लिए नहीं है, वो समझ रहे हैं मैंने वोट दिया मेरे लिए कलह नहीं हो रहा, ये कलह मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए हो रहा है। तो वो इस बार समझ रही है, और वो ये इस बार देख रही है कि जो उनकी बात करेगा, जो उनके काम की बात करेगा, जो उनको इस महंगाई से राहत दिलाएगा, जो इस समय में पूरे देश में महंगाई दर बढ़ी हुई, उस महंगाई दर में अगर किसी परिवार का कुछ 5 से 10 हज़ार